जय हिंद दोस्तों, साथियों, सज्जनों और भले मानुषों, ठंड नहीं लग रही है? आपको थोड़ी अच्छी खबर दे देते हैं, बहुत समय हो गया बुरी खबर देते देते। और खबर का संबंध है पीएचडी से और उसका भी संबंध है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की पीएचडी से। ऐसे विद्यार्थी जिनका एडमिशन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हुआ है 21 और 22 के सेशन में, उनके लिए सूचना है। और इस सूचना की टाइमिंग है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ठीक है? अब सूचना क्या है इसको समझिए। पहली बात कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय नॉन नेट फेलोशिप बच्चों को दे रहा है 1 साल के लिए, ठीक है? और जिन बच्चों को दे रहा है उसके संबंध में सूचना आई है। और सूचना की डेट, क्योंकि आपके आप में से ही एक सब्सक्राइबर और एक मित्र हैं जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर गए, उनके माध्यम से खबर मिली है, ठीक है? इतिहास के विद्यार्थी शोधार्थी हैं। 24 सितंबर का नोटिफिकेशन, वेबसाइट नोटिफिकेशन मुझे देख लीजिएगा। 5,000 रुपये की आपको छात्रवृत्ति मिलेगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, अगर आपका JRF नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको देने पड़ेंगे, कुछ कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा और कुछ लेटर वगैरह भी आपको लगाकर यूनिवर्सिटी में और अपने जो भी आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी जो भी आपको मिला है पीएचडी के लिए, उससे साइन हस्ताक्षर करवा के या प्रेक्षित करवा के आपको सबमिट करने हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट है, कब तक सबमिट करने हैं और क्या कुछ अलग जानकारियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। और एक जानकारी अलग है कि जो नए फॉर्म आए हैं पीएचडी के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नए सेशन के, उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, जो कि बढ़ा दी गई थी, 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो 4 दिन आपके पास शेष है फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं सूचनाओं पर। जिन भी बच्चों का नाम आया है इस लिस्ट में, उन सभी को मुबारकबाद। और जिनका नाम नहीं आया है तो हो सकता है उन्होंने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया हो। क्या कंडीशन थी? कि आपकी परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, तब आप इस फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए आवेदन यूनिवर्सिटी में दे सकते थे, ठीक है? तो जिन बच्चों ने दिया उनका नाम आया लिस्ट में, सभी को शुभकामनाएं। और इन बच्चों की संख्या है 58, यानी कि 58। इन बच्चों को अब क्या करना है और कब तक करना है और कैसे करना है, इसको सुनिए। अब क्या करना है, पहली बार आपको एक फॉर्म सबमिट करना है 10 अक्टूबर 2022, अगर मैं सही हूँ, जी हाँ, 10 अक्टूबर 2022 तक आपको एक फॉर्म सबमिट करना है। उस फॉर्म का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है, उसी के सबसे लास्ट पेज पे फॉर्म की कॉपी अटैच है, उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। वैसे पूरी लिस्ट का प्रिंटआउट निकालिए काम ही आएगा, उस फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकालिएगा। और पहले पेज का, यानी फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, फर्स्ट पेज में नोटिफिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन है और लास्ट वाले पेज में फॉर्म का लिंक है, उसको निकालिएगा, नोटिफिकेशन सूचनाओं को पढ़िएगा और फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है? और फॉर्म के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं और ये उन सभी को अटैच करने हैं जो जिनका भी नाम लिस्ट में आया है, ठीक है? डॉक्यूमेंट कौन से अटैच करने हैं? यदि आपने DRC, यही बोलते हैं ना, या RDC बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने DRC या RDC की बैठक में अटेंड किया है और अपना प्रस्ताव उसमें पास करवा लिया है, सुपरवाइजर मिल चुका है, टॉपिक मिल चुका है, उसका एक लेटर आपको मिला होगा, ठीक है? और वह लेटर आपके पास होना चाहिए और उस लेटर की कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगाकर तैयार रखनी है, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे विद्यार्थी जिनका नाम आया है उनका पीएचडी सबमिट हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप पीएचडी सबमिट कर चुके हैं और आपका नाम लिस्ट में आया है तो आप फॉर्म भरकर मत भेजिएगा, ठीक है? दूसरी बात। तीसरी बात कि जो उनका भी नाम आया है इस लिस्ट में, वो कहीं भी जॉब पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, ना ही प्राइवेट, ना ही सरकारी, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और इसकी जानकारी यदि आपने यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र को नहीं दी और फॉर्म फिल करके जमा कर 10 अक्टूबर तक, आपकी फेलोशिप कैंसिल हो जाएगी, पीएचडी कैंसिल हो जाएगी और आप पर जानकारियां छुपाने के आरोप के तहत कार्रवाई भी हो जाएगी, ठीक है? हम नहीं कह रहे हैं, नोटिफिकेशन में लिखा है, ठीक है? आरडीसी का लेटर आपके पास होना चाहिए और इसकी डेट है 31 मार्च 2022 से पहले का, 31 मार्च 2022 से पहले का, जिनका भी नाम आया है लिस्ट में उनके पास आरडीसी की बैठक में अटेंड करने का, उसको पास करने का लेटर आपके पास होना चाहिए। नेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसका लेटर होना चाहिए और सुपरवाइज़र का सहमति पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ये आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा आपके पास कुछ बिल्स की कॉपी होनी चाहिए। बिल्स को क्या बोलते हैं, रसीद बोलते हैं ना। आपने कुछ खर्च किया होगा आने जाने पर कहीं,
कुछ वर्कशॉप सेमिनार में, कुछ किताबों पर, स्टेशनरीज पर, उसका भी बिल आपको लगाना है फॉर्म के साथ में ओरिजिनल। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। और ये किसके साथ लगाने हैं, जो लिस्ट में पेज नंबर 7 पे एक फॉर्म की कॉपी दी है उसको आपको निकालना है, उसको भरना है और उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। ठीक है, शोध प्रस्ताव, पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब नहीं लगाने, जो लगाने हैं आपको बता दिया है। अब बच्चों का नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 58 की संख्या है बच्चों के लिए, बागपत में कॉलेज है, बागपति लिखा है ना, डीएस कॉलेज, उसमें कुछ बच्चों के नाम आए हैं, केएम मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, उसमें कुछ बच्चों का नाम आया है, वीवीएलजी कॉलेज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद, एसडी कॉलेज गाजियाबाद, एनआरसी कॉलेज खुर्जा बुलंदशहर, एसएसवी पीजी कॉलेज हापुर, एमएम कॉलेज मोदीनगर, सीएसएसएस पीजी कॉलेज मेरठ, आर जी कॉलेज मेरठ, शहीद मंगल पांडे कॉलेज, इस्माइल कॉलेज, डीएन कॉलेज, एनएएस कॉलेज, इसके अलावा है मेरठ कॉलेज मेरठ, और लास्ट में कैंपस यानी कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसके संस्थान के कॉलेज और अपडेटेड कॉलेज के बच्चों के नाम इस कॉलेज में आए हैं। आप चेक कर लीजिएगा अपना नाम, अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, जो भी अगर आप मैरिड हैं, अपना सब्जेक्ट, अपनी कैटेगरी, स्कॉलरशिप के ड्यूरेशन, जो किस डेट में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपकी रिमार्क में अगर कुछ लिखा है उसको सबको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो नए सत्र के फॉर्म आए हैं उसको जो भी फॉर्म भर रहे हैं बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, नॉन नेट फेलोशिप मिलती है, हॉस्टल नहीं मिलता है, आपको सीट चाहे कॉलेज में मिले या कैंपस में मिले फेलोशिप मिलेगी। अटेंडेंस, एक नियम भूल गया मैं, जिन भी बच्चों का नाम आया है ना फेलोशिप में, उनके लिए एक सख्त नियम है अटेंडेंस का। यदि आपका नाम आया है लिस्ट में और आपके यदि अटेंडेंस नहीं है 75% महीने की, फॉर्म को मत भरिएगा, फेलोशिप नहीं मिलेगी। क्लियर कट मेंशन है पॉइंट नंबर 2 फॉर्म का। ठीक है, और ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको इसको अटेस्ट करवाना है, ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको अटेस्ट करवाना है। और अटेस्ट किससे करवाना वो भी सुन लीजिए, आप यदि किसी कॉलेज में आपको गाइड मिला है तो उससे, गाइड नहीं अलॉट हुआ है तो सुपरवाइज़र नहीं है आपका तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं है सुपरवाइज़र नहीं है तो वाइस चांसलर, और यदि कैंपस से मिला है तो एचओडी, एचओडी अब्सेंट है तो डीन, डीन अब्सेंट है तो रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार अब्सेंट है तो वाइस चांसलर, और आपके भी इसमें साइन होंगे। ठीक है, और ये सब फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट लगा के आपको सबमिट करना है 10 अक्टूबर 2022 फिजिकल मोड पर यूनिवर्सिटी में जाकर, चाहे आपको कैंपस में सीट मिली हो या यूनिवर्सिटी में, आपको सबमिट करना है। अपने सुपरवाइजर से बातचीत कर लीजिएगा, कॉल पे या मेल पे संपर्क कर लीजिएगा, और ये लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा, फॉर्म की कॉपी भी दे दूंगा आपको, मैं रख कर क्या करूंगा, मेरे पास तो अचार डालने की जगह है नहीं। और आपने वीडियो को देखा, बर्दाश्त किया, कितनी बातों को समझे मैं नहीं जानता, यदि आपने वीडियो तसल्ली से देखा होगा ये भी जानता हूँ कि पूरा नहीं देखा होगा, क्योंकि समय कहाँ है पूरा देखने के लिए। ठीक है, तो आपको शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, सलाम।